दोस्तों आज हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ वह मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिसको लेकर वर्तमान समय में जागरूक कराना हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन अगर ज्ञान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही अगर इनकी शत्रु बन जाए तो ये मदद के लिए कहाँ जाएंगी? घर परिवार की जिम्मेदारी, समाज की बंदिशें और सजोए गए अरमानों के बीच एक इंसान अगर खलनायक बन जाए तो पीड़ित महिलाएं मदद के लिए कहाँ जाएंगी? समाज के पास जो इनको लड़ना नहीं सहन करना सिखाता है, या उस परिवार के पास जो इनसे उपेक्षाएं लगाए रखता है? यदि कोई व्यक्ति कार्य क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र से बाहर आपको गलत तरीके से टच करता है या फिर सेक्सुअल कमेंट्स करता है, आपकी नौकरी को लेकर गैर जरूरी प्रेफरेंसेस देता है या फिर धमकी देता है, वर्क प्लेस को हॉस्टाइल बनाने की कोशिश करता है, ये सभी काम सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आते हैं। इन सभी अपराधों को लेकर 21 दिसंबर 2013 को देश के सभी राज्यों में ये कानून लागू किया गया है। चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करती हैं या फिर प्राइवेट में, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं या फिर किसी के घर में काम करती हैं, यदि कोई व्यक्ति या सहकर्मी सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो आप इस कानून की सहायता ले सकती हैं। कानून के अनुसार हर एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी ज़रूरी है, जिसमें आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए तथा इसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी एक महिला ही होनी चाहिए तथा एक सदस्य एनजीओ से जुड़ा होना चाहिए जो आज तक इस मुद्दे पे काम करता आ रहा हो। अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करती हैं जहां 10 से कम एम्प्लॉय हैं, जहां इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में भी जा सकती हैं। अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो आप अपनी शिकायत 3 महीनों के अंदर ही इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को दे सकती हैं। कमेटी को 90 दिनों के अंदर ही उस शिकायत पर कार्यवाही करनी होगी। अगर पीड़ित महिला चाहे तो कार्यवाही पूरी होने तक दफ्तर से छुट्टी भी ले सकती है या दफ्तर के किसी अन्य विभाग में ट्रांसफर भी मांग सकती है। यह कमेटी सिविल कोर्ट की तरह ही काम करती है। इस कानून के तहत उस शिकायत को लेकर पीड़ित महिला, गवाहों और अभियुक्त की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। उसके अलावा उस शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी मुद्दों को एक अभियान की तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी मुद्दों को लेकर समाज को और खासकर महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए? ये बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम किसी भी तरह के हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ प्रैंक वीडियो देखने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने मिलियंस ऑफ व्यूज की एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है, लेकिन अगर हम हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ सामाजिक जागरूकता का वीडियो देखने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने गिने चुने वीडियो जाते हैं जिनको लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये आंकड़ा ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किस तरह की मानसिकता के हैं। इसलिए मैं सभी माताओं और बहनों से एक छोटे भाई, एक बेटे के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के बल पर एक मुकाम को हासिल किया है तो आप उस मुकाम को किसी आवारा और बेगैरत सोच की बलि मत चढ़ने दीजिए। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को सार्थक बनाइए, कानून की सहायता लीजिए, हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाइए।